लेकिन दुष्यंत नागर जी, सबसे पहले आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके नेता ये कह रहे हैं ये थम नहीं रहा है ये सिलसिला ना, चाहे भले ही वो छोड़कर नहीं गए हो, लेकिन अंदर रहकर वो ये कह रहे हैं आलसी हो गई है कांग्रेस, सुस्त हो गई है, कहीं लड़ती नजर नहीं आ रही है। वो एग्रेशन, मतलब एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि किसी का सर्वर फोड़ दीजिए, लेकिन वो एक होता है कि चुनावी मैदान में जिस तरह से दिखना चाहिए उसको सक्रिय नहीं दिख रही है। 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक हो गई, पूरे देश में बूथ बूथ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, और कैसे लड़ा जाता है चुनाव? अगर किसी के पास कोई और अच्छा सुझाव है तो उनको अवश्य बताना चाहिए। एग्रेशन, ये तो गुंडागर्दी का तो कांग्रेस की नीतियां ही नहीं है, ये तो गांधी के तरीके से चलने वाली पार्टी है। गुंडागर्दी, या मैंने पहले भी इसीलिए मैंने क्लियर किया कि सर फोड़ देना, एग्रेशन का मतलब आक्रामकता है। आक्रामकता तो ये है कि हम जाएं और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खींच खींच के लाके अपनी पार्टी में जमा करें। तो हमारे पास तो भैया ऐसी कोई संस्था ईडी सीबीआई है नहीं कि जिसके नोटिस भेजें, लोगों को डराएं लाएं, तो फिर तो एग्रेशन से लड़ेंगे। मैं कहता हूं एग्रेशन से चुनाव नहीं लड़े जाते, प्यार मोहब्बत भाईचारा अपनापन लोगों की समस्याओं को समझ के चुनाव लड़े। प्यार मोहब्बत भी बचा नहीं पा रहा है आपके नेताओं को। मैं कहना चाहता हूं आपको, इस चुनाव का नारा है हाथ बदलेगा हालात, हाथ का पंजा भारत के हालात बदलेगा। जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं में अविश्वास बढ़ रहा है, युवाओं की आत्महत्या बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये सारे हालात बदल जाएंगे। 4 जून के बाद जो भावी सरकार बनेगी उसने गारंटी दी है, रोजगार की गारंटी, न्याय की गारंटी, शिक्षा की गारंटी दी है, और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को काम देने का, जिस तरह से मनरेगा को कम करके ग्रामीण क्षेत्र में शायना जी लगातार अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों पर, किसानों के ऊपर जिस तरह से अटैक किया है, मनरेगा के बजट को बढ़ाने का गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने, उसकी समय अवधि बढ़ाने की गारंटी दी है। तो मैं कहना चाहता हूँ हाथ बदलेगा हालात, करिए इंतजार। पहले सर कांग्रेस के हालात बदल लीजिए, फिर उसके बाद देश के हालात बदलने की बात कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के नेता कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी कांग्रेस ज्वाइन कर गए, इनके हरियाणा के सांसद जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है, राजस्थान के सांसद जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ आउटगोइंग नहीं चल रही है, इनकमिंग भी आ रही है। वो कह रहे हैं अभी इनकमिंग आ रही है, इनकमिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटगोइंग चल रही है। भले ही आप हाउसफुल शो आपका चल रहा हो, लेकिन यहां भी इनकमिंग बंद नहीं हुई है अभी। देखिए, इनका कहना है कि हम खींच खींच के लोगों को ला रहे हैं। अभी आप ये पहले समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ देश का लेकिन विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जहां हमारे पास 11 करोड़ सदस्य है, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मेहनती नेता, सबसे ईमानदार नेता, और उस परिपेक्ष में जिस तादाद में लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं हमारे नेतृत्व के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि काम करके दिखाया है। जब आप 2004 से 2014 का आकलन देखें तो हम 11वें नंबर पे थे एज एन इकोनॉमी, आज हम 5वें पे पहुंच गए हैं, और उसी रफ्तार से तीसरे नंबर सुपर पावर के तरफ हम जा रहे हैं। भारत का नाम शान इस ढंग से बड़ा है कि जहां मोदी जी जाएं वहां भारत का नाम, जहां मोदी जी कहें वहां एक 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 दर्जा जो पहले कभी नहीं था। लाभार्थी की बात करें तो 60 करोड़ लोग जो हमारे लाभार्थी के सेक्शन में आए, 35 करोड़ लोगों को जो मिला है लाभार्थी के प्रोग्राम्स, महिलाओं के लिए जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, पक्के घर हो, ये क्या बड़ी उपलब्धि नहीं है? दूसरे तरफ कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, उनके पास नेतृत्व नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, यहाँ तो कांग्रेस आपके पाले में आ गए। आप लोगों ने कांग्रेस मुक्त की बात कही थी, लेकिन आप खुद ही कांग्रेस युक्त हो गए। देखिए, कांग्रेस का काम है
पहली बार जब वो इंट्रोस्पेक्शन करें तो ये परिवारवाद के ऊपर टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। ठीक है, जो राहुल गांधी सक्षम नहीं, आप उनको अमेठी से भगा के वायनाड भेजते हैं, वायनाड में वो आतंकवादियों का समर्थन लेते हैं और आप बोलते हैं कि कौन सा नेतृत्व, कैसा नेतृत्व है ये, कहाँ है चाल चरित्र। दूसरे तरफ मोदी जी की चाल चरित्र, नीति, नियत और विचारधारा एक विकसित भारत के लिए, 2000 हम सब अभी 2024 की बात कर रहे हैं, पहली बार एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, आप बताएं कि ये कितना बड़ा उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, एयरपोर्ट्स को देखिए, रेलवेज को देखिए, कोई भी क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, ये सर्टिफिकेट हम कांग्रेस पार्टी से नहीं लेंगे, हम जनता और जनादेश और वोटर से लेंगे, और वो वोटर भारी मात्रा में बाहर आके 4 तारीख को सभी विपक्षी दलों को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। अब शायना जी, आपने एयरपोर्ट्स की बात की, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सिंधिया जी भी कहते हैं, हमने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया कुशीनगर का, जिसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया, कितनी फ्लाइट्स वहां से गई हैं, जो अपने गंतव्य पे पहुंची हैं, कितनी वहां आई हैं। ठीक है, जो विकास के आपके दावे हो रहे हैं वो सारे कागजी हैं, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। 149 रेलवेज की बात करें तो अखबार में लिखा है, एक प्रमुख दैनिक ने आज लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का हर चौथा प्रत्याशी दल बदलू है, जो किसी दूसरे दल से आया है। साइना बहन, ये सच्चाई है। ठीक है, ठीक है, अब एक कर बाकी जो मेहमान हैं उनका भी रिएक्शन आ जाए, लेकिन प्रेम जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ। प्रेम जी, क्या ये डिटॉक्सिफाई हो रहा है, ये क्या रणनीति आपको यहाँ पर नजर क्या आ रहा है, जो चला चली की बेला थमने का नाम नहीं ले रही है? ना केवल चला चली की बेला बल्कि कंफ्यूजन भी देखिए कितना है। उधर समाजवादी पार्टी जो है वो तो ऐसा लग रहा है घंटे के हिसाब से टिकट बदल रही है, मतलब प्रत्याशियों को पता ही नहीं, भैया अभी तो टिकट था एक घंटे पहले किसी और को मिल गया है वो। ना केवल ये बल्कि बिहार में आप देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है, पप्पू यादव अभी वो जुड़ेंगे भी हमारे साथ, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन ये क्या चल क्या रहा है, ये कौन सी रणनीति है INDIA की, ऐसे कैसे नैया पार होगी? देखिए हिमानी जी, आप तो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं, उसका तो एक निश्चित समय होता है, उसके बाद कोई बदल नहीं पाता है। यहाँ तो 3-3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, यहाँ तो पूरा मंत्रिपरिषद बदल जाता है, तब तो कोई आवाज नहीं उठती। प्रत्याशी तो पार्टियों में बदला करता है, ये कोई गुनाह थोड़े है, गुनाह नहीं है। लेकिन जो बातें अभी हो रही हैं, आज देखिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, तो बैटरी ऑफ लीडरशिप ऑफ BJP एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, पूरे मीडिया में बस कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना है। मैं सोचता हूँ ये भी एक तरह का ये है, फैलाव है, कांग्रेस के घोषणा पत्र को BJP ही फैला रही है, कांग्रेस को कैसे फायदा पहुंचा रही है BJP, ये सोचना पड़ेगा। वो आलोचना कर रही है घोषणा पत्र की, कह रहे हैं हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प हमने पूरे किए हैं, वो भी बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, अदरवाइज तो नहीं कर रहे थे ना। तो घोषणा पत्र को चैंपियन बनाने का काम BJP कर रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप जनता के बीच ले जा रहे हैं आलोचना करते हुए, ये दिख रहा है। राहुल गांधी कहीं रैली करते हैं तो राहुल गांधी के शब्दों को लेकर के सारी पार्टी टूट पड़ती है। आप राहुल गांधी को आज विपक्ष में सबसे बड़ा नेता बना करके रखा है BJP ने, उनको पैसा विज्ञापन पे खर्च भी करना नहीं पड़ता है, विज्ञापन पे खर्च करना नहीं पड़ता है पैसा, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को रोज चैंपियन।